नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक सनसनीखेज वीडियो शेयर कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को कटघरे में खड़ा किया है। तो शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण आवंटित करने की मांग की है। वहीं महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, उसके पास से बेल की उल्टी बरामद की गई है जिसकी कीमत 2,67,00,000 रुपए है। तो उधर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मांग करते हुए कहा कि दूरदर्शन के मराठी चैनल सह्याद्री को सिर्फ मराठी भाषा में कार्यक्रम प्रसारित करने चाहिए। इस बीच राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के सभी विभागों व प्रकोष्ठों को भंग कर दिया है। वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। प्रदेश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक सनसनीखेज वीडियो शेयर किया है। तस्वीरों को लेकर बनाया गया यह वीडियो मेघालय के चेरापुंजी के होटल पोलो आर्किड का बताया जा रहा है। इसमें एक शख्स एक महिला के कंधे पर हाथ रखकर बैठा हुआ नजर आ रहा है। चित्रा वाघ का दावा है कि यह शख्स महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले है। चित्रा ने एक जनप्रतिनिधि के इस तरह के व्यवहार पर सवालिया निशान लगाते हुए कांग्रेस से उन्हें तत्काल अपनी पोस्ट से हटाने की मांग की है। चित्रा का कहना है कि मैं किसी के निजी जीवन में नहीं झांक रही हूं। वीडियो पहले ही वायरल हो चुका है। वीडियो के शुरुआत में टी शर्ट और पैंट पहने नाना की तस्वीर आती है, उसके बाद नाना एक महिला के कंधे पर हाथ रखे बैठे नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक होटल की फोटो आती है। चित्रा ने कहा कि जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती है। इस बीच मुंबई के लिए रवाना होते समय नागपुर हवाई अड्डे पर पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में राजनीति का स्तर काफी नीचे चला गया है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया गया है। हमारी कानूनी टीम इसकी जाँच कर रही है। जरूरत पड़ने पर हम अदालत जाने को भी तैयार है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण आवंटित करने की मांग की है। निर्वाचन आयोग को भेजे एक पत्र में शिंदे गुट ने असल शिवसेना होने का दावा किया है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की ओर से दी गई मान्यता का हवाला दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के 55 में से कम 40 विधायकों ने बागी नेता शिंदे को समर्थन देने की घोषणा की थी। शिंदे ने 30 जून को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। शिंदे ने 2 दिन पहले राहुल शेवाले को लोकसभा में पार्टी का नेता घोषित किया था और 5 बार की सदस्य भावना गवली को मुख्य सचेतक के रूप में बनाए रखा था। लोकसभा अध्यक्ष ने शेवाले को संसद के निचले सदन में शिवसेना के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की। इससे पहले शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह पर दावों के लिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके विचार को सुना जाए। बता दें कि महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 1 अगस्त को होनी है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया है। महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, उसके पास से वेल की उल्टी बरामद की गई है जिसकी कीमत 2,67,00,000 है। वेल की उल्टी की एम्बर ग्रीस या ग्रे एम्बर भी कहा जाता है। 25 वर्षीय वैभव कालेकर को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने दक्षिण मुंबई के टाइडेंट होटल के पास से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने उसे 2.6 किलो एम्बर ग्रीस ले जाते हुए पाया। पुलिस ने बताया कि ऐसा संदेह है कि उसने रत्नागिरी जिले के दापोली से इसे खरीदा था, जहां कुछ महीने पहले कुछ वेल मृत पाई गई थी। आरोपी को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। एम्बर ग्रीस ठोस मोम जैसा ज्वलनशील तत्व होता है। यह हल्के ग्रे या काले रंग का होता है। प्लर्म वेल की आंतों में यह पाया जाता है। पानी के अंदर वेल मछलियां ऐसे कई जीव खाती है जिनकी नुकीली चोंच और शेल्स होती है। इन्हें खाने पर वेल के अंदर के हिस्से को चोट न पहुंचे, इसके लिए यह अहम होता है। इसे निकालने के लिए कई बार तस्कर वेल की जान ले लेते हैं, जो पहले से विलुप्त प्राय जीवों में शामिल है। एम्बर ग्रीस का इस्तेमाल परफ्यूम इंडस्ट्री में किया जाता है। इसके मौजूद अल्कोहल का इस्तेमाल महंगे ब्रांड परफ्यूम बनाने में करते हैं। कीमती होने के चलते इसे तैरता हुआ सोना भी कहा जाता है।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मांग करते हुए कहा कि दूरदर्शन के मराठी चैनल सह्याद्री को सिर्फ मराठी भाषा के कार्यक्रम प्रसारित करने चाहिए। राज ठाकरे ने इस संबंध में दूरदर्शन को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात समेत कई अन्य कार्यक्रमों का भी जिक्र किया है। ठाकरे ने दूरदर्शन के पश्चिमी क्षेत्र के अतिरिक्त महानिदेशक नीरज अग्रवाल को लिखे अपने पत्र में यह मांग की है। राज ठाकरे ने लिखा है कि प्रसार भारती ने 15 अगस्त 1994 को महाराष्ट्र के लिए सह्याद्री मराठी क्षेत्रीय चैनल लॉन्च किया। इसका मकसद महाराष्ट्र राज्य की राज्यभाषा यानी मराठी में सभी कार्यक्रमों का प्रसारण करना है। हालांकि दर्शकों और हमारे ध्यान में आया है कि इस चैनल पर अक्सर अन्य भाषाओं के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। हमें इस बारे में सभी आम लोगों से शिकायतें मिली है, साथ ही सूचना के अधिकार के जरिए इसका खुलासा हुआ है। कृपया हमारी मांग पर विचार करें और आवश्यक कार्रवाई करें, अन्यथा मन से समस्या के समाधान के लिए उचित कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंदी भाषा का कार्यक्रम मन की बात सह्याद्री के साथ साथ दूरदर्शन के अन्य सभी क्षेत्रीय चैनल पर प्रसारित होता है, किसी को आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के सभी विभागों व प्रकोष्ठों को भंग कर दिया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने सभी विभाग और प्रकोष्ठों को तात्काल प्रभाव से भंग करने का अनुमोदन किया है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि आखिर शरद पवार ने यह कदम क्यों उठाया है। रिपोर्ट के अनुसार शरद पवार महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरने के बाद एक नए सिरे से संगठन को खड़ा करना चाहते। प्रदेश में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने में शरद पवार की भूमिका काफी अहम थी। इसमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस शामिल थी और उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी का नेता चुना गया था। तकरीबन 2.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उद्धव ठाकरे को आंतरिक फूट के चलते पद से इस्तीफा देना पड़ गया था और एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार का गठन किया था। याद रहे, रामदास कदम ने इसके पहले आरोप लगाया था कि पवार शिवसेना को सुनियोजित तरीके से कमजोर कर रहे थे। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि एकनाथ शिंदे ने बगावत की, अगर यह नहीं होता तो शिवसेना खत्म हो गई होती अगले इस 5 साल के कार्यकाल में। योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री दिनेश खट्टिक की नाराजगी दूर होती दिख रही है। मीडिया को संकेतों में साफ कर दिया है कि वे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो सोनिया गांधी दोपहर करीब 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंची। उनके साथ बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी, जिन्हें ईडी ने साथ आने की इजाजत दे दी है। वहीं मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को पाकिस्तान के एक नंबर से सोशल मीडिया पर धमकी भरा मैसेज मिला है, इसलिए वे फिलहाल अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो उधर यूपी के फिरोजाबाद में एक गर्भवती डंपर के पहिए के नीचे आकर कुचल गई। महिला के कुचलते ही प्रसव हो गया और बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। इसी बीच आज राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे शाम तक घोषित हो जाने की उम्मीद है। वोटों की गिनती जारी है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री दिनेश खट्टिक की नाराजगी दूर होती दिख रही है। मीडिया को संकेतों में साफ कर दिया गया है कि वे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। एक दिन पहले उनकी जो चिट्ठी सामने आई थी उसमें साफ लिखा था कि वे अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में अचानक ऐसा क्यों हो गया कि खट्टिक ने अपना मन बदल दिया? इसका सीधा जवाब है कि खट्टिक अपना विरोध जिस स्तर पर दर्ज कराना चाहते थे उन्होंने करा दिया। अब वे सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर रहे हैं। यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक की वायरल चिट्ठी ने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया था। प्रदेश में अफसरशाही से लेकर योगी सरकार में दलित मंत्री के उत्पीड़न तक मामला खूब जोर पकड़ा। सीधे निशाने पर भाजपा रही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर कांग्रेस तक इस विवाद में कूदी। भाजपा पर आरोपों की बौछार कर दी गई। अब इस मामले में खट्टिक खुद सामने आए हैं। सफाई में उन्होंने कहा है कि नाराजगी केवल अधिकारियों से है, काम नहीं सम्मान दिए जाने की बात कही है। खट्टिक ने कहा है कि सीएम ईमानदार है, कुछ अधिकारियों की मनमानी के कारण उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। हम जनप्रतिनिधि है, जनता ने हमें चुनकर भेजा है, सम्मान तो मिलना चाहिए। राजधानी दिल्ली से ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। संसद हंगामे की भेंट चढ़ रही है। दिल्ली की सड़कों पर प्रोटेस्ट मार्च निकालते कांग्रेस सांसद सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाता विपक्षी दलों का संयुक्त बयान। वजह सिर्फ एक है, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस। केस में ईडी ने सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए तलब किया है। इसके खिलाफ कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी के बाद अब पूछताछ की बारी सोनिया गांधी की है। सोनिया गांधी दोपहर करीब 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंची। उनके साथ बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी, जिन्हें ईडी ने साथ आने की इजाजत दे दी है। ईडी अधिकारियों ने उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा। सोनिया गांधी से आज 3 चरणों में पूछताछ होगी, यानी मैराथन की पूछताछ की तैयारी है।
पूछताछ के लिए खास इंतजाम किया गया है। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी सोनिया गांधी से पूछताछ करेंगे। पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल ईडी के हर स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया गया है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी। गायक सिद्धू मूसेवाला की मौत को करीब 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनके चाहने वाले अभी भी मनसा जिले के मूसा गांव स्थित उनके घर पर उनके माता पिता से मिलने जाते हैं। पर अब सिद्धू मूसेवाला के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज के स्टोरी सेक्शन में एक सूचना दी गई। कहा गया कि जो मूसेवाला के माता पिता से मिलना चाहते हैं और उनके घर पर शोक मनाना चाहते हैं, उनके लिए यह सूचना है कि सिद्धू मूसेवाला के माता पिता कुछ महीनों के लिए गांव से बाहर गए हैं। जो भी उनसे मिलने आ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि निराश न हो, हम आपको पोस्ट के माध्यम से अपडेट रखेंगे। वही एक रिपोर्ट में पारिवारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को पाकिस्तान के एक नंबर से सोशल मीडिया पर धमकी भरा मैसेज मिला है। जैसे ही यह मामला सामने आया है, पुलिस मामले की जाँच में जुट गयी है। हालांकि मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यह भी जानकारी सामने आई है कि गायक के माता पिता कहां गए हैं। इसी बीच मूसेवाला के पैतृक गांव में उनकी याद में उनकी प्रतिमा लगाई गई है। मां के गर्भ में 9वां महीना पूरी कर रही नवजात ने आंखें खोली। उसी समय मां की आंखें हमेशा के लिए मूंद गई। फिरोजाबाद में डंपर से कुचली मां खून से सनी हुई पड़ी थी और नवजात के रोने की आवाज शुरू हुई। फिरोजाबाद के नाराजी के कोटला की रहने वाली 20 वर्षीय कामिनी की शादी 1.5 वर्ष पूर्व आगरा के मलकपुर थाना क्षेत्र के चमोली निवासी राजू के साथ हुई थी। कामिनी गर्भवती हुई तो परिवार में खुशियां छाई। गर्भावस्था की जांच के दौरान डॉक्टर ने सब ठीक बताया था। प्रसव की संभावित तारीख 25 जुलाई दी गई थी, लेकिन उससे पहले दुर्घटना हो गई। वह अपने पति राजू के साथ बाइक पर बीमार चाचा को देखने मायके कोटला नरखी आ रही थी। गांव बरतरा के निकट राजू ने आगे चल रहे डंपर को ओवरटेक कर रहा था। उसी दौरान पीछे से दूसरी बाइक पर आ रहे युवक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे राजू की बाइक अनियंत्रित हुई और कामिनी गिरकर डंपर के पहिए के नीचे आकर कुचल गई। वहीं उसका पति राजू दूसरी तरह गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला के कुचलते ही प्रसव हो गया और बच्ची की रोने की आवाज आने लगी। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। आनन फानन में पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। एम्बुलेंस से नवजात को सरकारी ट्रामा सेंटर लाया गया और उपचार शुरू कराया गया। वही कामिनी का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उत्तराधिकारी कौन होगा, आज तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके लिए 2 उम्मीदवारों के बीच टक्कर है। सत्तारूढ़ दल बीजेपी की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं, वही विपक्ष के यशवंत सिन्हा को अपना कैंडिडेट बनाया है। 11 बजे से संसद भवन परिसर के मुख्य भवन में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इसके लिए भवन के फर्स्ट फ्लोर के कमरा संख्या 63 को अलॉट किया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया में हर एक विधायक और सांसद के वोट का मूल्य तय है। सांसद के मत का मूल्य 700 होता है, वही विधायक के वोटों का मूल्य उनके राज्य की आबादी पर निर्भर करता है। बैलेट पेपरों की स्टार्टिंग के बाद ही वोटों की गिनती होती है। संसद में रूम नंबर 73 के बाहर मीडिया स्टैंड बनाया गया है। काउंटिंग की शुरुआत होते ही रुझानों के बारे में बताया जाने लगेगा। समझने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव का विजेता वह उम्मीदवार नहीं होता है जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, अलबत्ता वह कैंडिडेट होता है जिसे एक निश्चित कोटे से ज्यादा मत प्राप्त होते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए डाले गए वोटों को जोड़कर 2 से विभाजित करके और उसमें 1 जोड़कर कोटा निर्धारित किया जाता है। इस मूल्य से ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार विजेता होता है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे शाम तक घोषित हो जाने की उम्मीद है। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। इसके पहले वो लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। माना जा रहा है कि राजनीतिक अनुभव चुनौतियों का सामना करने में उनका साथ देगा। तो चीन की एक और चालबाजी सामने आई है। अब वो भारत से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ एक नया राजमार्ग बनाने की योजना बना रहा है। वही ऋषि सुनक ने ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के लिए जादुई आंकड़े को पार कर लिया है। तो उधर इसराइल के एक मीडिया चैनल की रिपोर्टिंग को लेकर दुनिया भर के मुसलमानों में उबाल जारी है। इसी बीच कोरोना और मंकी पॉक्स के साथ ही एक नए और बेहद खतरनाक वायरस ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इस नए वायरस का नाम है मारबुर्ग। दुनिया के इन 5 बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। विक्रमसिंघे इससे पहले लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 73 वर्षीय विक्रमसिंघे को श्रीलंका के प्रधान न्यायाधीश जयंत जयसूर्या ने राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। श्रीलंका भयावह आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विक्रमसिंघे के सामने सबसे बड़ी चुनौती और अग्नि परीक्षा देश को इस संकट से निकाल कर फिर पटरी पर लाना है। गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने और इस्तीफा देने के बाद विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था।
देश के संविधान के अनुसार संसद द्वारा चुने जाने वाले वे पहले श्रीलंकाई राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले स्वर्गीय डीबी विजयतुंगा मई 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रेमदासा के निधन के बाद निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। 225 सदस्यीय श्रीलंका की संसद ने कल विक्रम सिंघे को नया राष्ट्रपति चुना था। विक्रम सिंघे के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती श्रीलंका को उसके आर्थिक संकट से बाहर निकालने और महीनों के बड़े विरोध के बाद कानून व्यवस्था बहाल करने की है। ये काम आसान नहीं, क्योंकि सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी उन्हें पूर्ववर्ती राजपक्षे सरकार से अटूट रिश्ते रखने वाला मानते हैं। राजपक्षे परिवार को 1948 में आजादी के बाद से देश के सबसे खराब आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। चीन अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने और अपनी ताकत दिखाने के लिए भारत से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ एक नया राजमार्ग बनाने की योजना बना रहा है। तिब्बत में लुंजे काउंटी से शिनजियांग क्षेत्र के काशगर में माझा तक फैले राजमार्ग नए राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रस्तावित 345 निर्माण योजनाओं में से एक है, जिसका लक्ष्य 2035 तक कुल 4,61,000 किलोमीटर राजमार्ग और मोटर मार्ग का निर्माण करना है। ये सड़क तिब्बत, नेपाल और भारत के बीच बुरांग काउंटी के साथ साथ नगारी प्रांत में जांडा काउंटी से होकर जाएगी, जिसके कुछ हिस्से भारत में है। नए निर्माण का विवरण सामने नहीं आया है, लेकिन राजमार्ग पूरा होने पर ये एलएसी पर देपसांग मैदान, गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग जैसे विवादित क्षेत्रों के पास भी जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार लुंजे काउंटी अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, जिस पर चीन दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में दावा करता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पिछले सप्ताह जारी योजना के तहत G695 के रूप में जाना जाने वाले राजमार्ग के कोना काउंटी से चलने की उम्मीद है, जो एलएसी के उत्तर में सिक्किम की सीमा से लगे कम्बा काउंटी और नेपाल की सीमा के पास ग्यारोंग काउंटी से होकर गुजरेगा। सीमा के अंतिम छोर तक दुश्मन देश की चहल पहल खतरनाक साबित हो सकती है। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने बोरिस जॉनसन की जगह ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में चौथे दौर की वोटिंग जीत ली है। वो इस बार भी पहले नंबर पर रहे हैं। बीते कई दौर से पीछे चल रही लीज ट्रस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। पांचवें राउंड की वोटिंग में ऋषि सुनक को 137 वोट मिले, जबकि लीज ट्रस 113 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रही। पेनी मॉर्डेंट 105 वोट पाकर मुकाबले से बाहर हो गई है। भारतीय मूल के पूर्व चांसलर ऋषि सुनक को चौथे दौर में 118 वोट मिले थे। इसी प्रकार ऋषि सुनक ने ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के लिए जादुई आंकड़े को पार कर लिया है। बोरिस जॉनसन की जगह लेने के लिए उन्हें 120 वोटों की जरूरत थी, लेकिन सुनक ने इस बाधा को पार करते हुए पांचवें राउंड में 137 वोट हासिल किया। जीत के बाद टीम सुनक ने कहा कि सांसदों के स्पष्ट जनादेश के साथ ये वास्तव में एक मजबूत परिणाम है। अब ऋषि सुनक पीएम पद की रेस में सबसे आगे है। अगर जीते तो वो ब्रिटेन में पीएम बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे। वो भारतीय कंपनी इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद है। कोविड संकट से ब्रिटेन को उबारने में उनकी काफी तारीफ हुई, हालांकि उनका नकारात्मक पक्ष उनकी पत्नी का टैक्स चोरी के एक विवाद में फंसना बताया जा रहा है। इसराइल के एक मीडिया चैनल की रिपोर्टिंग को लेकर दुनिया भर के मुसलमानों में उबाल जारी है। दरअसल मुस्लिमों के सबसे पवित्र स्थल माने जाने वाले सऊदी अरब के मक्का शहर में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। वहीं इसराइल के एक चैनल ने दो दिन पहले मक्का की एक रिपोर्ट दिखाई थी। इस रिपोर्ट में चैनल के वर्ल्ड न्यूज एडिटर गिल तमारी मक्का शहर में घूमते और रिपोर्टिंग करते दिख रहे हैं। गिल तमारी यहूदी धर्म से संबंध रखते हैं। मक्का शहर की इस रिपोर्ट में विश्व प्रसिद्ध मक्का गेट को भी दिखाया गया है। मक्का शहर की सीमा इसी गेट से मानी जाती है। इस गेट के अंदर किसी भी गैर मुस्लिम के प्रवेश पर रोक है। अगर कोई गैर मुस्लिम इस शहर की सीमा में दाखिल हो जाता है तो उस पर न केवल जुर्माना लगाया जाता है, बल्कि उसे डिपोर्ट तक कर दिया जाता है। मक्का शहर के बाहरी इलाके में माउंट अराफात भी स्थित है। हज के लिए आने वाले यात्री बड़ी संख्या में इस जगह पर इकट्ठे होते हैं। इसराइली पत्रकार ने इस जगह पर सेल्फी भी ली थी। दरअसल इसराइली पत्रकार तमारी को पिछले हफ्ते एक क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए सऊदी अरब आने की अनुमति दी गई थी। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हुए थे। इस कॉन्फ्रेंस के बाद वे मक्का में पहुंचे। उनके इस कदम की तीखी आलोचना की जा रही है। कोरोना के बाद अब कई देशों में मंकी पॉक्स का खतरा मंडरा रहा है। हाल के दिनों में कई देशों में मंकी पॉक्स के मामलों में वृद्धि भी दर्ज की गई है, लेकिन अब कोरोना और मंकी पॉक्स के साथ एक नए और बेहद खतरनाक वायरस ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इस नए वायरस का नाम है मारबुर्ग। हालांकि राहत की बात यह है कि इस वायरस के मामले अभी कुछ अफ्रीकी देशों में ही आए हैं।
रक्तस्रावी बुखार संबंधी मारबर्ग को दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अब तक सामने आए मामलों के आधार पर मारबर्ग से होने वाली मृत्यु दर 80% से अधिक है। घाना से पहले सितंबर 2021 में गिनी में वायरस का एक मामला सामने आया था। कांगो, दक्षिण अफ्रीका व युगांडा में मारबर्ग के मामले सामने आ चुके हैं। वायरस से लड़ने के लिए फिलहाल कोई दवा या टीका नहीं बना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मारबर्ग इबोला जितना खतरनाक है। इससे संक्रमित होने पर इंसान को तेज बुखार, डायरिया, उल्टी और सिरदर्द होने लगता है। 1967 में सबसे पहले इस वायरस का पता जर्मनी के मारबर्ग शहर में चला। उसी आधार पर इसे मारबर्ग कहा गया। अफ्रीका से लाए गए कुछ ग्रीन बंदरों से ये वायरस शहर में फैला। तो वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।